वंदे मातरम पिला माने आज क्लास टी तुम मानक स्वागत करुछि। गत क्लास रे आमे चतुर्थ श्रेणी विज्ञान बही रो प्रथम विषय उद्भिद विषय पढ़ी एवं जानी उद्भिद आउ प्राणी एमाने एमानक मध्यरे कौन कौन सामंजस्य बा समानता थिला आउ पार्थक्य कौन थिला आज आम पढ़ा गच्छ आउ प्राणी परस्पर उपकारी और निर्भरशील तेरे गच्छ आउ प्राणी किपरी उभय उभयकर उपकार करथांती आउ किपरी जणे अन्य जणक उपरे निर्भरशील अटंती ता उपरे आम आलोचना कर। प्रथमे आम देखा गच्छ लतारु आमर आम कौन कौन पाचे गच्छ लतारु आम गच्छु आम कौन कौन ठीक अच्छे गच्छु आम कौन कौन पाचे ना खाद्य वस्त्र बासगृह ये तीनोटी आम परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव गच्छु आम पाचे किपर पाचे ताकि देखा तो आम समस्त जानचे गच्छ तार खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाय किंतु प्राणी माने खाद्य पाई गच्छ उपरे निर्भर करिथांती केमिति ना आमर गच्छ तार खाद्य जो प्रस्तुत करुछि गच्छ केवल तरल खाद्य ही खाउछि किंतु प्राणी माने उभय तरल एवं कठिन खाद्य ग्रहण करती ना कि तो खाद्य वस्त्र बासगृह खाद्य आम गच्छु पाइले वस्त्र किपर भाव पाचे किए कहीपर कपा कपा गच्छ देखीछ ना खाली शुणीचे आम कपा तुला बोली गोटे कहते हैं कपा तुलू आमर कौन हो रेजेई तकिया हाँ ये सब ताने रेजेई तकिया जो तैयारी हो आमर लुगा मध्य तैयारी हो कपा गच्छर तुला बासगृह कौन ना गच्छर आमर तार पत्र कांड आउ ये सब कुछ नहीं कि आम बासगृह तैयारी ताने किछि आम प्रत्यक्ष भाव में पाचे गच्छर आउ किछि परोक्ष ताने प्रत्यक्ष आउ परोक्ष भीतर कौन तफात ना प्रत्यक्ष हूँ आम सीधा सड़क जहाँ गच्छर पाचे धर आम पिजुटा आने कि आंबटे गच्छर आने आम सीधा सीधा खाऊे परोक्ष भाव कौन ना आम जो पशु मानक खाऊे पशु जेहेतु कौन आमर गच्छ को खाद्य भाव खाऊ तो सेठ आम परोक्ष भाव आम गच्छू खाद्य पाइ है आउ कौन कहे यह व्यतीत औषधपाई गच्छलतार चेर पत्र बकल मंजी इत्यादि आम व्यवहार करषधपाई गच्छलतार चेर पत्र बकल मंजी इत्यादि आम व्यवहार कर औषध आमर तुलसी गच्छ तुलसी निंब ना कौन आउ
आमर अरख आउ लेखुचे गोटे गोटे ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ନିମ୍ବ ପୋଦିନା ବେଲପତ୍ର ଆହୁରି ଅଛି ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିଛେ ଇତ୍ୟାଦିର ପତ୍ର ଯେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରରୁ ଆମର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି କେଉଁ କେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଆମର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କରଞ୍ଜ ନିମ୍ବ ସୋରିଷ ନଡ଼ିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦିର ମଞ୍ଜିରୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ହେଲା ତ ଇଏ ତ ଗଲା ପତ୍ର ଗଲା ମଞ୍ଜି ଗଲା ଏବେ କହୁଛି ଚେର ଗୋଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛର ଚେରରୁ ଆମେ ପତ୍ର ନା ଆମର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଦେଖିବା
ताने विभिन्न गच्छलतार चेर आमर चेर हूँ अरख मलांग ये किसी कि चेर अच्छी जो गुड़िक कि आम औषध रूपे व्यवहार करा जाए। घर तैयारी काठ बाउंश लड़ा इत्यादि गच्छलता मिले। चढ़ई मैंने गच्छे कौन करती ना काठी कुटा पत्र द्वारा बसा तैयारी करतेक जीवजंतु बड़ बड़ गच्छर कोरोड़े निजर घर कर रही था। अच्छा खरा दिन रास्त जाऊ जाऊ आम छाई गूल आश्रय नौचे ताने यहाँ आम गच्छर निर्भर करचे गच्छर छाई पर निर्भर करचे। गाई गोरु छेली इत्यादि गच्छ तले खरा वर्षा रक्षा पाइबापी आश्रय नहीं था। आम जो लुगा पिंधु जो किसी समय पूर्व मुझे कहली आम जो लुगा पिंधु ता कपा तुलारु तैयारी होता है। सिमिली तुलारु आमर रेजेई तकिया गदी ये सब तैयारी हुए। तो प्राणी माने गच्छर ये हूँ उद्भिद माने प्राणी मानकर उपकार करुथुले एबे कहुछि प्राणी माने आमर गच्छ बा उद्भिद मानकर उपकार करती। केमिति करती ना प्राणी मानकर झाड़ा परिस्रा आउ शब बा हाड़ सब सॉरी शब ओ हाड़ इत्यादि माटी रे मिसी गले भल सार तैयारी हुए। तो गच्छ यही सार को खाद्य रूपे व्यवहार करी कौन हुए पृष्ट पृष्ट हुए। केतक गच्छर चेर प्रचुर जबक्षार जान वायु ग्रहण करी गच्छ को जगाई थांती। आउ कौन ना माटी तले थिबा छोट बड़ जिया गोबर पक उई आम सब ये सब देखीचे। तो या भितर किसी कीट कौन करती ना गच्छर उपकार करीट गच्छर अपकार करते जिया एपरी गोटे आमर कीट जे कि गच्छर बहुत उपकार करे। केमिति ना यह माटी तले रही माटी को ऊपर तल करी हालुका करे जहाद्वारा कौन हुए ना माटी भीतर को प्रचुर परिमाण रे वायु जबक्षार जान आमर माटी भीतर को जापे फल गच्छर चेरटी भल भाव कौन करे ना जबक्षार जान ग्रहण करी थाए एवं बढ़ी थाए। आउ कौन ना जेहेतु माटी अधिक हालुका हुए बामर तल उपर कर हालुका करें माटी को तो अम्लजान गच्छ भल भाव पाई। भर प्रजापति महुमाची फूलर महु संग्रह करने उद्भिदर वंशरक्षार साज्य करती। यू आम पर जाणी एवं आम माँ वृक्षलता विषय कौन कहते से गोटे गपटी दि जाइए ताको पढ़वा। श्रीमा वृक्षलता मानक बहुत भल पाते मनीष मानक से भल पाइबा ग्रहण करती। कौ मैंने भल पाइबा ग्रहण करती ना वृक्षलता मान से कष्ट अनुभव करती। आम पूर्व पढ़ी गच्छलता मैंने मनीष बाप प्राणी मानक कौन करती प्रतिक्रिया प्रकाश करती। एमिति थरे अरविले गोटे गच्छे जड़े माली काम सारी ता कटुरी को गच्छे मारी चली जाइला। से गच्छी एक माँ को जनई माँ जापर से माली को गच्छे कटुरी न मारापी निर्देश दे। तो मोटामोटी भाव उद्भिद विषय टू आम कौन कौन सब जानिलु ना एथरु आम जानिलु गच्छर जीवन अच्छी केतक गच्छ अल्प दिन बंचीबा बेले आउ केतक
अनेक वर्ष धरी बंची थांती आ कौन ना गच्छ आमको खाद्य वस्त्र घर बासगृह दे था कौन ना गच्छ परिवेश को मध्य रक्षा करे तेणु आम गच्छ को कौन करिबा नाही नष्ट करिबा नाही कौन ना प्राणी माने मध्य गच्छर वंश वृद्धि रे सहाय्य यापरे हमें प्रश्नावली बहिर करिबा एक नंबर टी देछि शून्य स्थान पूरण कर एक नंबर क आमर सबुठारु उपकारी बंधु किए ना गच्छ देश गच्छ हजार हजार वर्ष बचे कौ गच्छ रेड वुड अच्छा डेस गैस आम पाई क्षतिकारक अटे कौ गैस टी आम पाई क्षतिकारक अटे ना अंगारकामल गैस घ नंबर गच्छ लतारु आम डेस डेस और डेस पाऊ एबे पढ़ीतले ना गच्छ लतारु आम खाद्य वस्त्र आउ बासगृह पाइथाउ प्रजापति और भर आदि उद्भिदर डेस रे सहाय्य करते कौथिरे सहाय्य करते ना गच्छ पिला माने हमे एक नंबर सारिले तबे दुई नंबर कहुची कौन ना आमे किपरि अन्य प्राणी और गच्छलता उपरे निर्भर करू संक्षेपरे लेखिबा पई तो आमे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे कौन करुचे ना अन्य प्राणी आउ गच्छलता उपरे निर्भर करुचे आमे 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 प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे अन्य प्राणी ओ गच्छलतांक उपरे निर्भर करूँ नुहे कि सेकेंड पॉइंट आम किपरी निर्भर करुचे ना आम अन्य प्राणी ठारु ठारु कौन कौन पाउचे अन्य प्राणी ठारु जथा माछ मांस अंडा क्षीर घियो इत्यादि पाऊ बुझेला तापरे आउ कौन ना गाई छेली मेंढा आदि प्राणी को ठारु क्षीर तथा मांस पाइथाउ नुहे कि आमे गाई छेली मेंढा गाई ठारु आमे क्षीर पाउचे आउ कौन गाईर गोबर को आमे नहीं जाळणी भावे व्यवहार करुचे
ଗାଈ ମଲା ପରେ ତାର ହାଡ଼ରୁ ଆମର ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ନୁହେଁ କି? ଛେଳି, ଛେଳିର ମାଂସ ଆମେ ଖାଉଛେ, ମେଣ୍ଢାର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ, ହଁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଆଯାଏ, ମେଣ୍ଢାର କ୍ଷୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲେଖୁଛ ନା ସମସ୍ତେ? ଖାତା ଖୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଥିବ ପଏଣ୍ଟ। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ, ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ଆମେ ପିନ୍ଧୁ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପାଇଥାଉ। ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ଆମେ ପିନ୍ଧୁ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ହଉ, ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଗଛ ଆମକୁ ତାର ଛାଇରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗଛଲତା ନଥିଲେ ଜୀବଜଗତ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଗଛଲତା ନ ରହିଲେ ଜୀବଜଗତ ରହିବ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା?
ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। तो प्रथम कारण कौन? गच्छलता न रहिले जीव जगत रहिबो नाही, तार प्रथम कारण कारण प्रथम कारण कौन ना, आमे गच्छलता रु खाद्य पाइथाउ, आमे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे गच्छ लतांक ठारु खाद्य पाइथाउ नहीं कि तापरे कहुछि कौन तापरे आमर गच्छ जोगु वायुमंडल रे आमर कौन क्षतिकारक गैस अंगारकाम्ल गैस टी वायुमंडल रे स्थिर रहुची, जदि गच्छ न थांता ताने एई गैस टी बढ़ी बढ़ी जाता एवं आम पई ताहा क्षतिकारक करथांता। ठीक अच्छे, एबे हमें तृतीय पॉइंट को जीवा, आउ कौन कारण रही ना, गच्छ न रहिले कौन हबो ना, प्रबल वर्षा रे कौन आमर माटी धोई एवं माटी रो उर्वर अंश गुड़िक नष्ट नुए कि फल कौन हबो माटी रो साधारणत कहती ऊपर माटी टी होची उर्वर माटी, तो वर्षा जल जत आमर ऊपर माटी धोई ताने जमी रे कौन हम ना उर्वरता शक्ति तार कमी जीव, तेणु जे तापरे आमे जहाँ फसल करवा से भल हेब ना। ठीक अच्छे लेख Thank you.
ଦେଖ ଗଛ ନ ରହିଲେ ନ ରହିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମାଟି ଧୋଇଯିବ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଫଳରେ ଫସଲ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଫସଲ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାପର ପଏଣ୍ଟଟି କହୁଛି ଗଛଲତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗଛ ରହିଛି ବୋଲି ଆମର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗଛଲତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ଓ ଗରମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ 4 ନମ୍ବର, ଗଛଟି ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲା? ଗଛଟି ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲା? ଆମେ ଏବେ ଏବେ ପଢିକି ଗଲେ ପରା, ଗଛଟି ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲା? ନା ବଗିଚାର ମାଳିଟିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, କାମ କରୁ କରୁ ତାର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ ତାର କଟୁରୀଟିକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚୋଟ ମାରି ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥା ଗଛଟି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।